हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिला। मैं आज आपको नॉर्मल बुखार के बारे में बताने जा रही हूँ और उसके उपचार के बारे में बताने जा रही हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर उनको एक दिन बुखार आता है, दो दिन बुखार आता है, वो एंटीबायोटिक लेते हैं और उस चीज़ों को सबसाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको बुखार हुआ है तो वो एंटीबायोटिक लेके वो सबसाइड कर लेते हैं, और फिर अगर वो एंटीबायोटिक बंद करते हैं तो कुछ दिनों में वो फिर से हो जाता है। तो अगर आपको बुखार आ रहा है, वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो वायरल फ़ीवर हो, जैसे कि हर मौसम में चेंज हो, जब मौसम चेंज होता है तब आपको बुखार होता है, चाहे वो वैसा बुखार हो, या आपको टाइफाइड हुआ हो, मलेरिया हुआ हो, डेंगू हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो बुखार जिसमें आ रहा है, तो उसमें जो भी उपचार करने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तभी आप ठीक होंगे। कुछ जो उपचार हैं वो आयुर्वेदिक उपचार भी हैं जिसके थ्रू आप ठीक हो सकते हैं और वो रिकरेंट नहीं होगा, मतलब कि वो बार बार आपको बुखार नहीं होगा। अभी बात करते हैं कि अगर आपको वायरल फ़ीवर हुआ है जिसमें कफ कोल्ड भी हो जाता है और बुखार भी आता है, और वो जनरली बहुत सारे लोगों को एक साथ हो जाता है, उस कंडीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे, कोल्ड कफ हुआ है और फीवर भी आ रहा है, तो जनरली क्या होता है कि आपका जो बुखार है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो कफ है यानी कि जो बलगम है वो जम जाता है, ठीक है, और वो जो धीरे धीरे करके वो सूखी खांसी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं, जो भी मेडिसिंस लेते हैं, वो उस बुखार को और उस बलगम को जमा देता है और सिर्फ सबसाइड करता है। यानी कि वो जो है, हो सकता है कि जब आप मेडिसिन बंद करेंगे और आगे आने वाले जो मौसम है उसमें मौसम चेंज होगा, या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम होगी, तब वो फिर से आपको उभर सकता है। यानी कि वो खांसी के रूप में भी आ सकता है, जुकाम के रूप में भी आ सकता है, या फिर से बुखार हो सकता है। और जैसे बात करेंगे डेंगू फीवर की, डेंगू फीवर जो है वो सडन से ही उसके सिम्टम्स शो होते हैं हमारी बॉडी में, और प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होने लगती हैं। डेंगू फीवर में ज़्यादातर ये देखा गया है कि फीवर तो आता ही है, हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके साथ साथ मसल्स पेन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मसल्स पेन भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी फीवर आ रहा है तो आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, यानी कि मान लो अगर आपको आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें प्लेटलेट तो पता ही चल जाएंगे आपको अगर डेंगू हुआ है, अगर मलेरिया है तो मलेरिया में सबसे ज़्यादा जो होता है वो बुखार जो आता है वो ठंड लग के बुखार आता है, चिल्स के साथ आता है, तो आप मलेरिया का टेस्ट कराइए। अगर आपको ऐसा लगता है टाइफाइड हुआ है, उसमें मसल्स क्रैम्प्स भी होते हैं और आपका जो पेट है मतलब कि स्टमक पेन भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जांच करा सकते हैं। सबसे पहले आपको टेस्ट कराने चाहिए और उसमें जो भी निकलता है उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको बुखार हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, यानी कि जनरली बुखार जो होते हैं वो आमा अवस्था की वजह से होते हैं, यानी कि आपका उसके साथ साथ बुखार के साथ साथ आपका डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाता है। अगर आपका डाइजेशन भी गड़बड़ है, जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, उस टाइम पर आपको थोड़ा सा लंघन करने की ज़रूरत है। यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लेनी है, यानी कि रोटी हो गया या मैदे की चीज़ें हो गई हैं, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करके जो आपका सिंपल खाना है यानी कि दलिया है, खिचड़ी है, उसका सेवन स्टार्ट करने लगें, क्योंकि जो आयुर्वेद है उसमें ज्वर का जो ट्रीटमेंट है उसमें लंघन मेंशन किया गया है, यानी कि आपको लंघन करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो हल्की लेनी चाहिए ताकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छा रहे और आपको बार बार बुखार ना हो। उसके बाद ये मेंशन किया गया है कि जिनको वात यानी कि जो ज्वर के टाइप होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं ज्वर, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन नहीं हो रहा है, यानी कि वात के जो लक्षण हैं वो नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि उष्णोदक यानी कि गर्म जल का सेवन करिए। जब भी आपको फीवर होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, अगर उसको सही करना है तो आपको बॉइल वाटर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन हाँ सुकोष्ण, मतलब जितना आप ले सकते हैं उतना ही पानी, उतना गर्म पानी आपको लेना चाहिए। उससे आपका क्या होता है कि आम का पाचन होता है और आपको बुखार नहीं होगा बार बार। और कुछ जैसे काढ़े होते हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, अगर आपको पता चला है कि आपको फीवर है, वो चाहे किसी भी तरह का फीवर हो, अगर आप गिलोय जैसे होती है ना, गिलोय अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है तो उसका आप चून ले सकते हैं। अगर आपको आपके घर पर लगी हुई है गिलोय, जो उसकी स्टेम होती है वो आप उसको तोड़ के पानी में बॉयल करके पूरे दिन अगर आप गिलोय का पानी पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी
और गिलोय जो होता है वो फीवर को कम करने में भी हेल्प करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। जैसे सुदर्शन काढ़ा है, माँ सुदर्शन काढ़ा है, उसका भी आप सेवन फर्स्ट डे से कर सकते हैं। अगर आपको पता चला है कि आपको फीवर हो रहा है, किसी भी तरह का फीवर हो, वो भी आपका जो फीवर है वो कम करेगा, तो ये आप सेवन कर सकते हैं। बाकी गिलोय का चूर्ण भी अवेलेबल है, और जैसे गोदंती भस्म है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन मात्रा जो है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फीवर लग रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम मात्रा के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताएंगे। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि कोई भी आपको फीवर होता हो उसमें या तो आपका लीवर जो है वो इफेक्ट हो रहा है, या आपकी स्प्लीन, यानी कि जैसे मलेरिया हो जाता है तो उसमें स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, हिपेटोमेगैली हो जाती है, या आपको टाइफाइड होता है तो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है आपकी इंटेस्टाइन में वो स्टोर रहता है। तो अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर आपको पता है कि आपको टाइफाइड हुआ है या मलेरिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्प्लीन का जो स्वेलिंग हो गई उसको कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। जैसे पुनर्नवा मंडूर है, वो भी काम करता है। अगर आपको फीवर हुआ है और मलेरिया हुआ है तो उसमें हम पुनर्नवा मंडूर भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपका स्प्लीन जो है उसमें भी स्वेलिंग आ रही है, लीवर में भी स्वेलिंग आ रही है। इसके साथ साथ पटोल कटुक रोहिणी आदि कषायम जो है वो भी आपके लीवर में भी अच्छा काम करता है, इंटेस्टाइन में भी अच्छा काम करता है। तो अगर आपको टाइफाइड और मलेरिया हो रहा है तो इन दोनों औषधियों का आप यूज़ कर सकते हैं। और जो टाइफाइड का फीवर है उसमें जनरली देखा गया है कि रिपीटेडली होता है, यानी कि एक साल में हुआ, दूसरे साल में हुआ, या 6 महीने में रिपीट होता है। उसका रीज़न भी यही है कि वो जो उसका बैक्टीरिया है वो आपकी आंतों में रहता है। अगर आपकी आंतों में उसका बैक्टीरिया है तो वो रिकरेंट हो सकता है। तो आप, जैसे मैंने आपको गिलोय बताया है, या कुछ चूर्ण का मिश्रण, जैसे महासुदर्शन हो गया, सीतोफल आदि हो गया, ये सारी चूर्ण का चिरायता है, कुटकी है, हरितकी है, उनका मिश्रण अगर आप कुछ दिन तक कंटिन्यूअस लेते रहेंगे तो जो भी आपको टाइफाइड हुआ है वो तो ठीक होगा ही। उसके साथ साथ अगर ये जो होते हैं वो मृदु विरेचन होते हैं, यानी कि माइल्ड लेक्सेटिव होते हैं, जब आप इस चूर्ण को लेते हैं तो आपको मोशन होते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, पर हाँ दिन में 2 से 3 बार हो जाते हैं, ताकि आपका जो भी बैक्टीरिया है वो मोशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे हरिद्रा खांड है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी फीवर होता है तो आप एलोपैथ में ना जाके, मतलब कि एंटीबायोटिक ना लेके, अगर आप आयुर्वेदिक उपचार करते हैं तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और वो रिकरेंट होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और बहुत सारे जो फीवर होते हैं उसके और भी रीज़न होते हैं। तो मान लो आपको अल्सर हो रहा है या फोड़े निकल रहे हैं, उसकी वजह से आपको अगर फीवर आ रहा है तो पहले उस पर फोकस करना है कि आपके जो फोड़े निकल रहे हैं उसको ठीक करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको UTI हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसमें भी फीवर आता है। तो उनको लगता है कि सिर्फ फीवर की मेडिसिन खा लेने से ही उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब तक वो मेडिसिन खाते हैं वो तो मेडिसिन के असर की वजह से ही उनका फीवर जो है वो कम होता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर कम होता है, मेडिसिन अपना काम करना बंद करती है, फिर से फीवर बढ़ जाता है। तो जो मैंने आपको फीवर बताए हैं, अगर आपको जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, ये सारी चीज़ें हो रही, तब तो आप फीवर को ट्रीट करिए जो मैंने आपको औषधियाँ बताई हैं। और आयुर्वेद में अगर आपको फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में, इनिशियल स्टेज में तो विरेचन नहीं कराते हैं, लेकिन आप बाद में विरेचन कर सकते हैं। यानी कि अगर उस स्टेज में क्या होता है, जब आपको फीवर आता है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है वो वीक होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम वैसे भी विरेचन नहीं देंगे, लेकिन कुछ टाइम बीत जाने के बाद अगर आप विरेचन लेते हैं तो विरेचन लेने से आपका जो लीवर है वो भी स्ट्रांग होगा, स्प्लीन भी स्ट्रांग होगी, और आपकी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो सारा ही बाहर निकल जाएगा, तो रिकरेंट आपको फीवर नहीं होगा। तो विरेचन भी बहुत अच्छी चिकित्सा बोली गई है ज्वर की, तो आप इनमें से किसी भी चिकित्सा का या इनमें से किसी भी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए वो किस टाइप का फीवर है और वो किस जगह बैठा हुआ है और किस ऑर्गन को वो इफेक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन चलेंगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, आपको लगता है कि आपको बार बार फीवर हो रहा है या फर्स्ट टाइम ही फीवर आया है और आपको स्टार्टिंग में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो आप जो परमानंद आयुर्वेदा है उसका कॉलिंग नंबर जो हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको फीवर हुआ था, अब वो ठीक हो गया है, अभी आपको विरेचन लेने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपनी बॉडी डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे आके हमारी क्लिनिक आके विरेचन भी ले सकते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो हमारे क्लिनिक का जो एड्रेस है वो भी हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप एक बार आ जाइए और
या तो कॉल कर लीजिए, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे और मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं आप। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।